नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं News21 TV एवं पॉजिटिव। आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे सीधे मोहना SR कॉन्वेंट स्कूल से लाइव तस्वीरें दिखाने का हम काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके। देखिए, यहाँ का रिजल्ट 100% रहा 10वीं और 12वीं की कक्षा का, और आप सामने देख भी रहे हैं कि चेयरमैन है जो यशपाल अत्री, वो बच्चों का मुँह में मिठाई खिला करके एक खुशी जाहिर व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। इधर भी आप देखें महिलाएँ भी और बच्चों के पेरेंट्स साथ खड़े हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चों ने मेहनत की और आप लोगों का सहयोग रहा, स्कूल का कितना साथ मिला। क्योंकि जो रिजल्ट, अगर बेहतर रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं भागीदारी माँ बाप की, बच्चे की खुद की, और जो टीचर है उनके, और जो स्कूल स्टाफ है उनका, सभी का कहीं ना कहीं सहयोग परस्पर बना रहता है, तभी इतना अच्छा रिजल्ट सामने आ पाया। आप सभी जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें में सीधे सीधे तौर पर। सबसे पहले बेटा आप बताएं, कौन सी कक्षा के छात्र हैं आप? सर, क्लास 10th। कितना रिजल्ट रहा आपका, कितने परसेंट मार्क्स आए? 91। किस तरीके से आए बेटा, मतलब पढ़ाई कितनी की आपने घर जा करके, स्कूल के अलावा? सर, आई स्टडीड अ लॉट फॉर माय बेटर परफॉर्मेंस, आल्सो माय पेरेंट्स एंड टीचर्स आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। जितना टाइम मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए चाहिए था, मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी बेटा, क्या नाम है आपका? तनु। तनु, किस तरीके से पढ़ाई की बेटा? आई स्टडीड अ लॉट, माय पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑलवेज सपोर्टेड मी, इवन ड्यू टू COVID-19 वी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, बट वी ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स, एंड ड्यूरिंग द न्यू पेरेंट CBSE गाइडलाइंस आर रिलीज्ड, वी फेस्ड अवर न्यू पैटर्न इज अ न्यू एस्पेक्ट फॉर अस। बेटा ये बताएं, स्कूल का कितना साथ मिला आपको? सर, स्कूल का, जैसे स्कूल में आप पढ़ने आते थे, क्लासेस के बाद भी क्या आपने स्कूल से कभी मदद की? यस सर, हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमेशा रेडी रहते थे हमारी हेल्प के लिए। हमारे टीचर्स ने हमें फुल सपोर्ट किया है कि आप जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी हमसे मतलब कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो डाउट। जी बेटा आप। सर, माय नेम इज रिंकी। एंड घर पे जाके काम करना होता है थोड़ा बहुत? yes, करते थे काम, तो उसके बाद फिर पढ़ाई भी किस तरीके से मैनेज किया आपने? सर, अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एग्जाम हमने सैंपल पेपर से बहुत हार्डवर्क किया, क्योंकि स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। हमने बहुत, जितने भी डाउट्स निकलते थे स्कूल में आकर कंफर्म होते थे। यस सर। जी बेटा आप अपना अनुभव बताएं। सर, आई एम रिंकी एंड आई प्रिपेयर्ड अ लॉट बिकॉज टर्म 1 एक्सपेक्ट वॉज वेरी न्यू फॉर अस एंड इवन आवर टीचर्स आर ऑलवेज रेडी एट 24 hours, they never forgive us to do anything, they always support us and I prepared a lot and my parents also supported me always, they gave me a lot of time which I want for my studies टाइमिंग किस तरीके से सेट की बेटा, कि सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते थे घर जाकर? यस सर, आई प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू, आई आल्सो स्टडी, आई स्टडी डिफरेंट फ्रॉम माय स्कूल। बेटा क्या हो गया हाथ में? अच्छा, चलिए बेटा आप बताएं, देखिए घर जाकर के किस तरीके से मैनेज किया, और सबसे बड़ी बात माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? There was a lot support from my parents' side and my mother didn't tell me to do any work. I did my all things myself and the most time I spent to my studies. 95.4. सर आप आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए माँ बाप की वजह से बच्चा जाना जाता है, लेकिन आज आपकी अगर पहचान है तो आपकी बेटी की वजह से। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आल प्रिंसिपल साहब एंड सभी टीचर स्टाफ को मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका बहुत बहुत आभार है। आज माँ बाप का तो सहयोग होता ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा गुरु का सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। सर क्या करते हैं आप? जी मैं एक्स आर्मी हूँ, आर्मी से रिटायर होके मैं सिक्योरिटी गार्ड में, ये अपना गेल इंडिया लिमिटेड छायसा में जॉब कर रहा हूं। देखिए आपकी बेटी टॉपर रही है, किस तरीके से घर जा करके आप लोगों का सहयोग मिल पाता था? मेरा सवाल मतलब कि ये है कि लड़की से घर का भी काम ज़्यादातर हर घर में कराया जाता है, जी, उसके बाद लड़की को पढ़ना भी है, और ग्रामीण क्षेत्र वैसे, तो किस तरीके से मैनेज करते थे आप? जी मैनेज तो थोड़ा बहुत काम के साथ साथ तो पढ़ाई थोड़ा निकलना पड़ता है, और बच्चों को समझाना पड़ता है, सही रास्ता दिखाना पड़ता है। चलिए आप सीधे तौर पर SR कॉन्वेंट स्कूल मोहना से, सर आप आइए आपसे पूछ लेते हैं, SR कॉन्वेंट मोहना स्कूल से आप सीधे सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, चेयरमैन से हम पूछेंगे कि आखिरकार किस तरीके से तैयारी इन बच्चों की कराई, क्योंकि देखिए 100% रिजल्ट लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं बच्चों के साथ पढ़ने में। सर किस तरीके से देखते हैं रिजल्ट आपका 100% रहा, चारों तरफ चर्चाएं, पर ये छोड़ दीजिए। सर रिजल्ट से बहुत खुश हूं, और एज एक्सपेक्टेड कोविड सिचुएशन लास्ट ईयर भी रही,
बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू एग्ज़ाम पैटर्न था। टर्म वन का एग्ज़ाम जो इनके लिए ऑब्जेक्टिव मार्क्स 40 मार्क्स का था, वो बिल्कुल नया पैटर्न था। बट टीचर्स की मेहनत से, बच्चों के सपोर्ट से, पेरेंट्स के कोऑपरेशन से, लगातार हार्ड वर्क, बच्चों का सेक्रीफाइस से हम आज इस रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र जो कि मोहना स्कूल सिचुएटेड है, विलेज मोहना अबाउट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बल्लभगढ़ एंड अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पलवल, तो तमाम यहां पर जो रूरल एरिया के एजुकेशन स्टैंडर्ड को हमने डेवलप करने का जो मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ धीरे धीरे हम अपने उस मुकाम पर आगे जा रहे हैं। सर, आपका एम मतलब ये है कि हर गांव के बच्चे को साक्षर करना, आपका एम ये है? हमारा एम साक्षर तो मोहना सर पहले से ही है जी, आज़ादी के समय से ही मोहना में स्कूल रहा है। हमारा एम था जब हमने स्कूल ओपन किया यहाँ पर, CBSE इंग्लिश मीडियम जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी कमी थी, आसपास जब नहीं था तो मैं बाद में सर आपसे। हाँ जी बेटा, आप लोग अपना अनुभव बताएं। अनुभव नाम के साथ। माय नेम इज देव। अनुभव ये कि वैसे भी पिछले साल COVID-19 रहा था, तो उसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों टर्म करी गई थी। फर्स्ट टर्म में हमको नया अनुभव मिला था, पहली बार ऐसे पेपर दिए थे, हमारे टीचर ने हमको बहुत सपोर्ट किया था, माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है कि जो इसने स्कूल घर जाने के बाद, स्कूल के बाद कभी किसी टीचर से फ़ोन पर बात की हो, कोई सॉल्यूशन मांगा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो मैथ्स के संबंधित, कोई ऐसा बच्चा है? yes, कोई बताएं, कोई अपना अनुभव बताएं बेटा। यस सर, कैसे से हम फ़ोन से बात, सर भी मदद कर देते हमारी बहुत सारी जी, हर क्वेश्चन में। जी बेटा, आप बताएं। हाँ, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? हाँ, माय नेम इज़ रंगमी। आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन वी आर इन 10th क्लास वी हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक वी गॉट डीमोटिवेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन दिस सिचुएशन टीचर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, दे मोटिवेटेड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे नेवर मेक मी रियलाइज दैट वी आर इनफीरियर दे, एंड टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स रोल मैटर्स अ लॉट इन आवर 10th क्लास। बेटा, घर जाकर के कितनी पढ़ाई करनी चाहिए अगर आपकी तरह बच्चे को किसी को अच्छा, चलिए आप साइंस में टॉपर रहे हैं, आप ये बताएं आपकी तरह अगर किसी बच्चे को पढ़ना और रिजल्ट आपकी तरह लाना हो, तो स्कूल के बाद घर पर जाके कितनी देर पढ़ें, एक घंटे, दो घंटे, कितना? फर्स्ट ऑफ ऑल द आवर्स डजंट मैटर दैट यू वुड हैव टू स्टडी 8 to 10 hours, दैट डजंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज द एम दैट यू शुड हैव अ एम, लाइक यू हैव टू कंप्लीट 2 chapters टुडे, देन यू शुड मस्ट कंप्लीट देम, वेदर दैट डजंट matter that it takes 8 hours, 6 hours, 4 hours, that doesn't matter. So you must have a aim. आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 घंटे और 8 घंटे और 4 घंटे पढ़ना अनिवार्य नहीं है, जितना पढ़ना है लेकिन मन लगा के और पूरा करना है, ये कहना चाह रहे हैं। You should have daily wise aim, weekly aims, and you should must devote yourself. Timing सुनी चाहिए। Yeah. जी बेटा, आप भी बताएं, इसी सवाल का जवाब आप दें, कितना? Yes, means as we know that quality matters over the quantity, and means you should means it doesn't matter how many hours you study, it matters how many hours you study with your same level of focus. Means if you are studying 8 hours but you don't study with the full concentration, then it's means there's no use of that. But if you study even half of that hours but with the full concentration, that it is obviously going to help you in your exams. Sir, aap mein se koi batana chahega ki aapke bacche school mein padhe hain, isme कि स्कूल का फीडबैक आपके साथ कैसा रहा, स्कूल का सहयोग कैसा रहा आप लोगों के साथ, कोई भी बताना चाहे जो बोल सकें, आपसे बताएं, आप लोगों से बता दीजिए, कोई भी पेरेंट्स का अनुभव सही चल रहा है? नहीं, मेरा स्कूल का कैसा सहयोग रहा आप लोगों बच्चों का? सही है जी, सही है। चलिए आप आ जाइए सर, कौन जो बताना चाहिए जी, आइए सर, आप इधर ही आ जाइए बच्चों के साथ। सर, सबसे आपसे सवाल ये है कि देखिए ज़्यादातर पेरेंट्स और स्कूल में पढ़ती नहीं आपस में फीस को लेकर के, है ना, आप लोगों का कैसा सहयोग और या स्कूल का सहयोग कैसा रहा आप? देखो जी, बहुत बढ़िया सहयोग है हमारे गुरु जी का, और मतलब ये तो एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्कूल है जिसमें गुरु जी अगर कोई कहे कि भाई इस बच्चे की थोड़ी सी नाजुक हालत है पीछे से, तो उसका भी कंसेशन आदेश से क्या आदेश से भी कम कर देते हैं, है जी, और वैसे बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, और टीचरों से है जो इन्होंने लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया टीचर सर हैं। सर आप आइए, ये तीनों चलिए। अच्छा बेटा, आप बताएं, सवाल आपसे भी यही है कि घर जाने के बाद घर कितना पढ़ते थे, और स्कूल में जो आप 8 या 6 पीरियड जो आपके होते हैं, इसमें किस तरीके से मैनेज करते थे पढ़ाई को?
सर आई मैनेज टू स्टडी विद फुल फोकस. इट डजंट मैटर आई स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, बट इफ आई स्टडी फॉर शॉर्ट आवर, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, इट शुड बी फोकस्ड, गिव योर 100% इन दैट टाइम ऑल्सो. जी बेटा, आप बताएं कितना पढ़ते थे घर पे जाके आप? सर 5 घंटे बहुत है. 5 घंटे घर यहाँ से स्कूल के बाद मतलब? हाँ सर, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तो बहुत है 5 घंटे. अगर बैठ ही रहो तो कुछ है नहीं, कि अगर आप वैसे ही 5 घंटे मतलब क्या पढ़ें घर जा करके, आप ये बताएं कि जैसे कि सब्जेक्ट जो स्कूल ने जो हमें होमवर्क दिया. अच्छा, जैसे स्कूल ने हमें काम दिया घर के लिए, वो हमने काम कर लिया, उसके अलावा क्या पढ़ें? और आपके 100 में से 100 नंबर आए ये, और आप बताएं किस तरीके से नंबर आए 100 में से 100. पहले जितना स्कूल ने पढ़ाया वो तो पढ़ें, जो काम दिया उसे भी पढ़ें, पूरा अपना 100%. अगर सिर्फ खुद से पढ़ते हैं जब वो ज़्यादा अच्छा होता है, खुद से पढ़ें, पूरा अपना 100% देना चाहिए. कोई सैंपल पेपर वगैरह की तैयारी की है आपने? हाँ, सारे सैंपल पेपर लगा दिए थे सर ने 1 महीने में, वो सारे पूरे कर लिए थे मैंने. जी बेटा, आप बताएं, आप अपने बारे में बताएं पहले, किस अच्छा बेटा, आप लोग बताओ 12th के जो बच्चे हैं, आप ये भी कुछ टिप्स देना चाहिए. आ जाइए, 12th के आप लोग तीन बच्चे हैं ना, कहीं यहीं कर लेंगे आप लोग 12th से. अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग बताएं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSB दिस टाइम, टेकिंग कोचिंग फ्रॉम दिल्ली. आप क्या करना चाहेंगे? राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन CUT एग्जाम, मीन्स नाउ परसेंटेज वाइज देर इज नो क्राइटेरिया परसेंटेज वाइज एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CUT, लेटर आई विल गो फॉर UPSC प्रिपरेशन. आप क्या करना चाहेंगे बेटा 12th के बाद? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नीट 2023. चलिए सर, आप आ जाइए बेटा, सपना आप आ जाइए, आ जाइए. अच्छा, आप भी 12th में हैं? अरे बंदे, बेटा क्या करना चाहेंगे आप? आई वॉन्ट टू परस्यू CA कोर्स. CA बनना चाहेंगे? चलिए बहुत अच्छी बात है. अकाउंट्स में आए ना इनके नंबर? हाँ, तो फिर तो CA बहुत अच्छी बात. सर आप आ जाइए. सर क्या फैसिलिटी है सर कॉन्वेंट स्कूल में? अगर देखिए, क्यों माँ बाप, देखिए रिजल्ट तो बेहतर है ही, अब आने वाले समय में 10th और 12th में माँ बाप आपके स्कूल में क्यों एडमिशन कराएं बच्चों का, ये और आप बता दीजिए. रिजल्ट को देख करके फैसिलिटी कुछ है वो बताएं. एक्चुअल में फैसिलिटीज से ही रिजल्ट आती हैं. फैसिलिटीज़ में आपका अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आती है, जिसमें आप बच्चों के लर्निंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, आपका ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, ओल्ड मेथड जो ओल्ड पैटर्न है वो चॉक डस्टर भी होता है, उसके अलावा लैब्स होती हैं, उसके बाद एक्टिविटी रूम्स होते हैं. देर लॉट ऑफ वेज की हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर क्वालिटी एजुकेशन. सर डिजिटल एजुकेशन की तरफ ऐसा कॉन्वेंट स्कूल कितना बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए, अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं आए दिन डर लगा रहता है कोरोना का, कहीं दोबारा से ना दे, तो डिजिटल एजुकेशन की तरफ कितना बढ़ा है SR कॉन्वेंट स्कूल? डिजिटल आज आई थिंक आजकल सभी CBSE स्कूल्स में, क्योंकि हमारे CBSE स्कूल हैं वो ऑलरेडी कोविड से पहले ही डिजिटलाइजेशन मोड में आ चुके हैं. आजकल सब उसके लिए टीचर वेल प्रांड है, और कोविड ने ये टीचर्स को पहले से ये सब चीज़ें सिखा दी हैं, तो उसके लिए तो वी आर 100% प्रिपेयर. कोई संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को आप? संदेश मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि सफलता जो सक्सेस है वो एक लॉन्ग स्टडी प्रोसेस है, जिसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़ती है. सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, खेलना छोड़ दें, बट व्हेन योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग यू, आपको अपने टाइम को, आपको विद ब्लूप्रिंट तैयार करना, अपने लिए टाइम टेबल को तैयार करना, आपको जो एक्टिविटी आपको ब्रेन के लिए ज़रूरी है, जो फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, जैसे कि आपके लिए खेलना, टाइम से खाना, आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आपको अवॉइड करना है, मोबाइल गेम्स, आपको टेलीविज़न अवॉइड करना है, एंड आपको मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है. तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा. अच्छा, बच्चा ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे भी रहा हो आप में से, या सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया हो 1 साल के लिए, 6 महीने, कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकते हैं कि हमने TV नहीं देखा या सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे? कोई बच्चा बताए इसके बेनिफिट और इसके नुकसान दोनों ही बता सकते हो? I have my Instagram account as well as I use WhatsApp and Facebook, but I am not addicted to that. I use just like I open my Instagram like 1 or 2 times a month. I am not addicted to that. One thing I would like to say that
students should avoid such type of thing, because these things are something that becomes habit if you use them consistently. So students should avoid that. बेटा आप में से बताओ, कोई आप में से रहा है कोई सोशल मीडिया पे? नहीं है। बताओ बेटा, मतलब आप लोगों ने छोड़ दिया हो या आप रहे हो तो कितना समय रहे हो, जो आपकी तरह जो और बच्चे उनको पता चल सके कि भाई हमें भी इनकी तरह करना चाहिए? Yes, I used to Twitter because it was the app where you can find a number of popular celebrities as well as president and PMO and many more persons that can you make you aware of the surrounding and what is happening in your surrounding. We can use social media app, but only to gain knowledge. But when we want to just entertain ourselves or to muse our mind, then we should keep ourselves from it. We should spend most of our time on study first. It is our first priority, and then we use the social media app just for only current affairs and other aspects you want to follow. चलिए, आप सभी सीधे सीधे तौर पर SR कॉन्वेंट स्कूल मोहना से जुड़ रहे हैं, आप सीधे सीधे लाइव तस्वीरें आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, रिजल्ट बेहतर रहा, इसलिए देखिए सभी विक्ट्री का साइन बनाकर खुशी की जाहिर व्यक्त किए, दूसरा एक दूसरे को मिठाई खिला करके इन्होंने खुशी जाहिर व्यक्त की। आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव तस्वीरें, आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे सीधे SR कॉन्वेंट स्कूल मोहना से। और मैं चाहूँगा कि अब इनकी बिल्डिंग और इनके बसेज वगैरह भी दिखाएं कि इनका बेहतर रिजल्ट क्यों रहा, किस तरीके से रहा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि अब सीधे सीधे हम इनको बिल्डिंग दिखा दी आपको। रिसेप्शन है उसके बाद थोड़ा सा लैब लाइब्रेरी रिसेप्शन। हाँ जी, ये हमारी कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर लैब है। इसमें बच्चे स्टडी करते हुए आफ्टर दिस स्मार्ट क्लास। ये स्कूल की स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लास, ये हमारे नर्सरी वाले रूम, नर्सरी क्लासेस, छोटे बच्चे, ये इसमें फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की हुई हैं, LED वगैरह। ये पूरा स्ट्रक्चर SR कॉन्वेंट स्कूल, पीछे एक बार निकल जाना, लैब दिखा दे, केमिस्ट्री और प्ले ग्राउंड दिखा दे।
हमारे छोटे बच्चों के स्टडी रूम। ये स्कूल कैंटीन और प्लेग्राउंड की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है।